हम ये लेके आए मैग हैंडल, तो वहाँ पे चेकिंग पे पुलिस वाले ने रोक लिया, कह रहा किस लिए ले जा रहे हो। गाइज मुझे लग रहा है मेरा कॉम्पिटिशन यही है। इसे सारी चीज़ें पता चल गई है, मशीनें कहाँ से मिलती है, हैंडल कहाँ से मिलता है। क्लाइंटों से इसने मेरे हरामी ने दोस्ती कर रखी है, जिम में हर बंदा जानता है इसे। मैं सबको दिखाना जरूरी है क्या? हाँ भाई। ये साला कल को मेरे जिम के सामने एक और जिम खोल के बैठ जाएगा। नहीं नहीं अलग से खोलूंगा दूसरी जगह। का होलो ब्रो बताने में, हमें तो मेट्रो से भगा दिया। जहाँ जाते वहीं से भगा दिया, पूरी मेट्रो खाली। भाई कह रहा है जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मेट्रो भी छोड़ के चले गई। मोए हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अरुण सिंह नेगी और मेरे साथ में बैठे हैं नमूने और महानमूने, ठीक है, और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कर रहे हैं बैक का वर्कआउट, और बैक का वर्कआउट करेंगे आज हम मैक ग्रिप से। मेरे पास में अभी एक ही मैक ग्रिप है, तो आज सोच रहे हैं कि बड़ा वाला मैक ग्रिप खरीद लाएं। तो क्या सोच रहे हो आप उधर? ले आओ भाई, श्रद्धा है आपकी। चलना बेटा तेरे साथ, तेरे को ही पड़ेगा गर्मी में मेरे साथ में। ठीक है तो अभी फिलहाल मैं इससे वर्कआउट करता हूँ और देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आएगा बड़े वाले वाइड मैक को लेके जब लेके आएंगे, और इससे भी वीडियो बनाएंगे। भाई मेरी बैक बन जाएगी उससे? तेरी बैक तो नहीं बनेगी, तेरी बहुत कुछ बन जाएगी। फिर क्या फ़ायदा जब मेरी बैक ही नहीं बनेगी, मैं लेने जा रहा हूँ। तो गाइस जिसने अभी मेरा गिव अवे वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो, और गिव अवे अभी भी चालू है, मिल सकता है किसी ना किसी को शील शेकर एंड पीनट बटर, मज़े करिए। तो गाइस इस वाले मैक का एक बेनिफिट ये है कि आप जब भी इसको करते हो, एक तो ये हाथ से स्लिप नहीं करता, इसमें रबर कोटिंग होती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपके जो लेड्स हैं इस पर अच्छे से स्क्वीजनेस देता है, अच्छे से स्ट्रेचनेस देता है ये, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कभी भी आपके जिम में नहीं है तो अपने ऑनर को या जिम ट्रेनर को बोलिए खरीदे, ठीक है। तो हम तो ले आए हैं, ऐसे मसल्स पर अच्छा लोड देता है ये, अच्छा फील है, ट्राई कीजिए इसको। Pulling up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip in the gun down. Dropping bodies in. City drawing करते हो? तो सिटी ड्रॉइंग में आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी रोइंग करते हो तो बंदे क्या करते हैं, बैक को पूरा पीछे की तरफ पुल करते हैं और आगे की तरफ को धकेलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, करने का सही पोस्चर पता होना चाहिए। तो गुड पोस्चर क्या है देखिए, जब भी आप कर रहे हो तो इसको पूरा पीछे की तरफ नहीं जाना है आपको, बस इतना करना है कि बैक को हल्का सा आगे की तरफ एकदम फिक्स कर दो, होल्ड कर लो, और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे रो करना है, एक दो, इससे आपके लेट्स को अच्छे से स्क्वीजनेस मिलेगी और ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। करने का बैक को बड़ा करने का तरीका यही है, अगर ये चीज़ सीख गए तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बंदों को लगता है कि ज़्यादा वाइड पकड़ने से या ज़्यादा कोई ब्रॉड चीज़ पकड़ने से हमारे लेट ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी है आप लोगों की। इससे क्या होता है, आपको ना ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा मसल स्ट्रेच नहीं मिलता है। तो आपको जब भी आपको लेट्स को वाइड करना है तो हमेशा या तो नैरो ग्रिप या तो आपके पैरेलल से थोड़ा सा वाइड शोल्डर में इतने ग्रिप को यूज़ करना है। कभी भी लेट पुल डाउन पर बिल्कुल बंदे कर लेते हैं, वो हमारे पास तो एडवांस मशीन है, इससे पैरेलल आता है, तो जब बार्बल वाली होती है उसमें बंदे क्या करते हैं, बिल्कुल टॉप पे पकड़ लेते हैं, एंड पे पकड़ लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो रेशियो कम हो जाता है, ऊपर से स्ट्रेचनेस और स्क्वीजनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसको पैरेलल्स पे पकड़ना है अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, ताकि ये लेट्स को अच्छे से नीचे ला के स्क्वीज़ करें, ऊपर स्ट्रेच करें। होल्ड एंड स्लोली अप। सारा खेल आपके माइंड मसल कनेक्शन का, अगर माइंड से अगर चीज़ें यूज़ करने लगोगे तो बॉडी बननी तय है आपकी। सो गाइस वर्कआउट हो गया डन, और अब जा रहे हैं हम इसके बाद में मैक खरीदने के लिए। तो अभी जाऊंगा पहले मैं घर, और उसके बाद जाऊंगा मैं अपने चश्मुद्दीन दोस्त को पकड़ के करोल बाग मेट्रो से, और कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, बने रहेगा वीडियो में।
जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी जा रहा हूँ करोल बाग, तो मैं अपनी मील ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैंने स्वीट कॉर्न बॉयल कर रखे थे, तो इनको थोड़ा सा दोबारा बॉयल किया क्योंकि कल रात से रेफ्रिजरेटर में थे, और क्यूक्यूम्बर, कैप्सिकम और थोड़ा सा योगर्ट, और योगर्ट के साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, और मैं इसको करूँगा इन्जॉय और फटाफट जाऊँगा करोल बाग क्योंकि बहुत लेट हो गया। सो फटाफट से करता हूँ इसको इन्जॉय और फटाफट से चलते हैं। देख रहे हो बाइसेप्स का साइज़ कम हो गया, मगर अच्छा लगता है यार, जब थोड़ा सा कट आ जाते हैं ना मसल्स पे तब ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका मसल क्वालिटी कैसी है। तो अभी इसको मैं पूरा मैश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से खा पाऊँ। दही डालने का रीज़न यही था अलग से कि मैं खा पाऊँ, बॉडी बनाओ, फिट रहो और बॉडी बनाओ। तो मैं करता हूँ इसको इन्जॉय और आप कर दीजिए मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और भर के प्यार दीजिए अपना यार, थोड़ा सा तो मेहनत आप भी कर लीजिए मेरे लिए। सो गाइस निकल गए हैं हम अपने सफर की तरफ करोल बाग। देख रहे हो भाई कितने ओवर ड्रेस्ड होके आए हैं। अरे बेसिकली यार मैं गरीब इंसान हूँ ना, तो मेरे पे कपड़े नहीं थे। हाँ, तो सब मैनेज करना पड़ता है। जीन्स, शूज और महंगे वाले शूज हैं। दिखाओ शूज, दिखाओ भाई। देख रहे हो ब्लेजर, लास्ट टाइम भी पहन के गया था मैं, कभी बड़ी बात नहीं है। बेसिकली लास्ट टाइम भी मशीन की केबल टूट गई थी, तो हम केबल भी लेने गए थे, पर उस दिन थोड़ा बजट टाइट था, तो वो मग हैंडल, मग कह लो मैक कह लो, बट वैसे मैक कहते हैं, मैक ग्रिप, ठीक है, हैंडल भी नहीं कहते, मैक ग्रिप कहते हैं, तो मैं इसलिए नहीं ले पाया। तो आज जा रहे हैं लेने के लिए और आपको उससे भी वीडियोज़ बना बना के वर्कआउट कर करके दिखाऊँगा, वर्कआउट कर करके दिखाएंगे भाई। बस मेरी बैग बन जाए उससे, मेरी बनी मेरी बैग तो बनी पड़ी है, बैग नहीं पूरा बैग आया, बैग भी टांगे घूमता है। पानी चाहिए ना भाई, बोतल फास्ट है ना मेरा। ओह माय गॉड, इसलिए फास्ट रखने वालों का कर्म अच्छे भी तो होने चाहिए भगवान। भाई मेरे तो अच्छे हैं, आपने मेरे को वेट करवाया इतनी देर, आपको पाप लगेगा। अबे गर्मी बढ़ती जा रही है कि मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है भाई? मुझे ज्यादा लग रही है गर्मी भाई, हद से ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, पूरा भीग चुका हूँ और अभी मेट्रो में भीग गया पूरा। तू तो भीगा ही हुआ है, तो थुलथुला है ना। अब भाई मेरे तो मेटाबॉलिक रेट हाई है ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा पसीने आते हैं। तो मेट्रो आ गए। देख रहे हो गाइस इसने क्या करा, मैं इसको गर्मी में लेके आया, उसने नाखून मार दिया यहाँ पे। मैंने नहीं करा भाई, ये सब क्या दिन से हो रखा है, ये इसी के काम है। ये नहीं बताओ, ये हमारे हेयर कटर, जिसने हेयर कट करे ना मेरे सलमान, ये उसका काम है। भाई पैसे ज़्यादा लिया अगर, मगर यार ऐसा गुस्सा मत किया। पैसे आप कहते हो ज़्यादा ही लेते हैं। हाँ ये तो है, ठीक है। और पहली बार मेट्रो में इतना टाइम बाद में बैठ के जा रहा हूँ, तो बैठने को सीट मिलती नहीं कभी। ये तो है, मुझे तो कम मिलती है। तेरे को तो खड़े होकर जाना चाहिए, तो मोटा है ना। मैं नहीं भाई, तो मैं मोटा हूँ। मैं इसी क्लिप डालूंगा, मेरे पास है। नहीं नहीं देख रहे हो, उसमें तो हूँ, आ गया लाइन पे। उसमें तो हूँ भाई। का होलो ब्रो, बताने वाला, हमें तो मेट्रो से भगा दिया। जहाँ जाते वहीं से भगा दिया, पूरी मेट्रो खाली भगा दिया गाइस। कह रहे हैं जब से ये लाल कलर का प्राणी आया है यहाँ पे, ये मेट्रो में कोई सफर नहीं करेगा, इसे भगा मार। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, ये तेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कल रात से, जिंदगी में पनौती है या तू ही पनौती है? नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई। कह रहा है जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मेट्रो ही, मेट्रो भी छोड़ के चली, मेट्रो भी छोड़ के चले गई। मोए मोए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमारे उधर को हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है भाई, वो डिडक्ट नहीं कर रही मेरा कार्ड, साल बाकी सेशन को डिडक्ट कर लेते हैं। कार्ड में पैसे भी रखने होते हैं साले, सारे तो बैंक के कार्ड में रखे हुए तूने पैसे भाई, वो तो भूल ही गया था। मेरा ना मेट्रो का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब मैं 9th क्लास में था, तो जब मेट्रो में दोस्त के साथ में, अगर शिवम को देख रहा है वीडियो तेरे को याद होगा, हम दोनों के दोनों ना पालिका बाजार गए थे हम। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था पालिका बाजार का, तो मैं ना कपड़े लेने गया था, तो टी शर्ट ली हमने रीबॉक एडिडास भर भर के। आते समय क्या हुआ, हमने ध्यान दिया नहीं, हमें लगा सीधा नोएडा ही जाएगी, हम वैशाली पहुँच गए। अब बच्चे तो थे ही, हम थोड़ा डर भर गए, भयंकर कहाँ पहुँच गए क्या नहीं। तो उसके बाद जैसे ऐसे आ ही गए, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे मेट्रो में हमारे। अपने ले कोई हेलमेट ले ले, अपना चेहरा ढका ले। काला हो जाएगा तू, काला भाई, रेसिज्म फैला रहे हैं, काले गोरे का भेद कर रहे हैं। अब चूतिए तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, कुत्ते। जय बजरंगबली, जय श्री राम,
जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। अब हम आ गए मेट्रो से बाहर तपती हुई धूप में, ठीक है, आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं व्लॉग। और यहाँ से जाएंगे हम सीधा अभी करोल बाग के अंदर बैक साइड से। बहुत गर्मी है, बहुत ट्रैफिक है। हम उतर चुके हैं झंडे वाला आने वाले रूट से और यहाँ से बस 2 कदम की दूरी से इस रोड को पकड़ना है। यहाँ पे ये होटल अलास्का, अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा सीधा और सीधा सीधा जाके आगे से काम उड़ जाएंगे। भाई सारा रास्ता क्यों बता रहे हो? क्यों, कोई आपको कॉम्पिटिटर आके जिम खोल लेगा, यही सामान ले जाएगा सस्ता। तो इसी रूट से भी सीधा सीधा आए हैं और जा रहे हैं हमारे लाल पीले परे के साथ में। और अभी हम इससे अभी इधर से इधर कट जाएंगे, हम राइट लेंगे, इधर चलना है साले, लेफ्ट है। Never let them know your next move. तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे, यहाँ से हमें आगे जाना है। बेसिकली मैंने एक बार क्या है ना, गुलाटी शॉप से, ये रही यहाँ पे गुलाटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, इनके पास से मैंने एक बार ना केबल ली थी, वायर केबल जो मशीन पे लगती है। तो उन्होंने कहा था कि सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, टूटेगी नहीं। भाई वो अगले दिन से ही टूटने लग गई, हैवी वेट लोड ले ही नहीं पा रही थी। मतलब इनसे मैं टाइल भी लेके गया, वो टाइल का भी इतना वेस्ट गया ना मेरा, और 180 रुपये, मतलब रेट ये और हमें मुकाबले ही देंगे मगर साले चीज़ अच्छी नहीं देते, दिक्कत ये है। तो कुछ कहना चाहेगा? गलत बात है भाई। भाई मतलब एक चीज़ होती है ना, और एक ये शॉप है, बट ये जेन्युइन चीज़ देते हैं, बट ये ओवर प्राइस देते हैं। इस रोड के जस्ट अपोजिट में ही है ये। अरे बस ने पूरा ब्लॉक खराब कर दिया मेरा। ओ भैया गाड़ी वाड़े कैसे करेगा। तो अभी ये बस हटेगी तो यहीं पे है ये पंजाब स्पोर्ट्स हाउस, और चलते हैं यहीं। तो ये वाला मैग है मेरे पास में, तो इसकी ग्रिप भी अच्छी है, टाइटेनियम 6 हो गया ना बाबूजी, बट हम ये वाला परचेस करने के लिए आए हैं। और इसको मैं अभी यहीं पे आपको करके दिखाता हूं, लीनी मिल जाएगी सर, ठीक है। तो टाइटेनियम में अटैच करा, ये नॉर्मल है, फिर वो बढ़िया चाहिए तो फिर दोनों सेम प्राइस है। क्या होगा ना, आपके लेट्स अच्छे से स्क्वीज होंगे, एंगेजमेंट अच्छी आएगी यहां पे। हम ये परचेज कर रहे हैं और जो भी इसका प्राइस होगा देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। मेरी वैसे पुली भी खराब हो गई, चेक कर रहा हूँ, पुली अच्छी है बट अभी अपना बजट नहीं है, तो बाद में देखेंगे। लालू फिलहाल तो मैग लेना है, मैग देखते हैं। देखो लास्ट टाइम मैं ये वाला वायर लेके गया था, ठीक है, महादेव का, बहुत टाइम तक चला था, 5 साल तक पूरा बंडल खत्म हुआ है। भैया हमेशा मिलते हैं, और मैं आ गया था कहीं से गुलाटी से लेके गया था, वो हर बार टूट जाती है। एक बार ले जाओगे पक्की बात है, नाम से मांगोगे। सो फाइनली गाइस हमने ले लिया है मैक ग्रिप, और अब बनेगी तेरी इससे बैक, नहीं बैका बनेगा इसका, बन जाए। चलो अब घर की ओर वापस। ये देख लो भाई डाइट ले रहे हैं, ऐसी डाइट फॉलो करते हैं ये, फिर दूसरों को बोलते हैं डाइट। देख लो खुद की इनकी, मजा आ गया, मजा। अंकल लोग डाइट ले रहे हैं, डाइट मिल रहा है भाई, एनर्जी है, देख रहे हैं एनर्जी है। एक प्लेट की बात भी रुके ही नहीं भाई, ये दूसरी प्लेट पे आ गया। जाम सारा, दूर लोग खाने को ही नहीं है। हाँ हम भी तो रह रहे हैं बिना खाए, हम बाहर का तो नहीं खा रहे ऐसे, ये देख लो। सबको दिखाना जरूरी है क्या? हाँ भाई, थोड़ा पानी था, पानी एक्स्ट्रा पानी के लिए डिमांड। गाइस मुझे लग रहा है मेरा कंपटीशन यही है। इसे सारी चीजें पता चल गई है, मशीनें कहाँ से मिलती है, हैंडल कहाँ से मिलता है,
क्लाइंटों से इसने मेरे हरामी ने दोस्ती कर रखी है जिम में, हर बंदा जानता है इसे। ये साला कल को मेरे जिम के सामने एक और जिम खोल के बैठ जाएगा। नहीं नहीं अलग से खोलूंगा दूसरी जगह। मेरा क्लाइंट काटेगा साले, तेरे को साले इसी तक मार दूंगा। मैं फिर मिलूंगा ही नहीं आपसे। चलो बजरंग बली जी हम चले। जय श्री राम, जय श्री राम। हम ये लेके आए मैग हैंडल, तो वहाँ पे चेकिंग पे पुलिस वाले ने रोक लिया। कह रहा किस लिए ले जा रहे हो? ये कह रहा सर मार कटाई करने के लिए। कह रहा तू आ चल जेल में चल। नहीं नहीं झूठ बोल रहे, मन गया था जिम के लिए। मैं भी चला, मैंने इसके हाथ में पकड़ा दिया ताकि मेरे को सवाल जवाब ना करना पड़े। ये तो है। महंगे लोग आईफोन चला रहे, देख रहे हो? हम पे तो काफी टाइम पुराना हो गया। हेलो 64 GB 64 है, 64 पसंद है इन्हें। सो गाइस ये ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, और हम हो गए हैं अस्त पस्त, थक गए हैं। पर घर जाके ये तो फास्ट में, मैं तो फास्ट में तो कुछ खाऊंगा भी नहीं। मैं तो घर जाके भाई पहले फिर से सैलेड काटूंगा, फिर खाऊंगा, फिर जिम जाऊंगा, सोना भी है थोड़ा सा। तो देख रहे हो 100 दिन गोलगप्पे पेल लिए, अब कुछ और पेल लिए रह जाके। गोलगप्पे वाले का सौंठ का कलर इतना तगड़ा था, देख रहे हो? पेट में भी ऐसे मेहंदी सी लग गई। तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहो और भरते रहो। बाय बाय, टाटा।